मेरा जो डैंड्रफ है सबसे ज्यादा ये इस एरिया में है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी बालों का जो ट्रीटमेंट है अब वो डॉक्टर बत्रा से ले रहा हूँ। इसके पहले मैंने आदिवासी तेल यूज किया था, बट उससे मुझे कुछ खास असर नहीं दिखा, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं वहाँ से अब डॉक्टर बत्रा के पास शिफ्ट हो गया हूँ। मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिले हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन भी मिले हैं, और उसमें से एक मेडिसिन है जो कि पाउडर फॉर्म में है और उसको मुझे दही में मिला के अपने बालों के ऊपर लगाना है। तो आज वो मैं लगाने वाला हूँ और वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मेडिसिन भी मैं खा रहा हूँ टाइम टू टाइम, जो भी जैसे बताया है, जैसे भी इंस्ट्रक्शन मिला है हमको डॉक्टर के द्वारा, तो ये मेडिसिन है और मेडिसिन मैं खा रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे एक डब्बे के अंदर एक पाउडर मिला है जो कि इस तरह का दिखेगा आपको, और इस पाउडर को दही में मिक्स करके लगाना है। दही में इसको मिक्स करके अपने बालों के ऊपर लगाना है, अच्छे से इसको मतलब कि लगाना है ताकि ये आपके जो स्काल्प है उसके ऊपर जाके सही से लग पाए। और ये एक्चुअली डैंड्रफ के लिए है। सो ये जो आपके बालों के ऊपर अगर डैंड्रफ है स्काल्प के ऊपर तो वो ख़त्म करेगा, तो उन्होंने ये भी दिया है। और इसको लगाना है हफ्ते में एक बार, तो मैं हफ्ते में एक ही बार इसको लगाता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे लगाए हैं इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसका भी एक वीडियो बना देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं ये कैसे लगाता हूँ। सो चलो शुरू करते हैं। मैंने दही भी ले लिया है, दही ले गया है, और इसको पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे बालों के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं और लगाते हैं। सो दोस्तों, ये है शैम्पू, सीरम और कंडीशनर, तो इसको मैं रखता हूँ अलग। और ये दवा भी दिया है, तो दवा काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं और इसको मैं खा रहा हूँ टाइमली। और ये रहा दही और ये रहा पाउडर डैंड्रफ के लिए, तो इसको मैं अभी मिक्स करूँगा, इसके अंदर डालूँगा। और इसको डालने के बाद मैंने लगाया भी है, ख़त्म हो गया, थोड़ा बचा है, तो इसको मैं इसमें मिक्स करता हूँ। और मिक्स करने के बाद दही डालता हूँ। दही ज़्यादा नहीं डालना है, ये सब नहीं डालूंगा। ज़्यादा दही डालने के बाद फिर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा और फिर वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बालों के ऊपर जितना चाहिए क्वांटिटी में मैं उतना ही डालने वाला हूँ। तो ये दही मैंने लेके आया है डेयरी से। ये हो गया मिक्स और इसको अब लगाते हैं। बहुत सारा गिर गया नीचे। तो चलो मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसको लगाते हैं। ये टोपी निकालना पड़ेगा हमको और अब मैं लगाता हूँ इसको। अगर मैं खुद से लगाऊंगा तो शायद गिरने का चांस है, काफ़ी सारे गिर जाते हैं, बट कोई बात नहीं, खुद से ही लगाना पड़ेगा। ऐसे डालना है इस तरह से और इसको लगाना है बालों के ऊपर। पूरा अच्छे से मिक्स करना है इसको, मिक्स करके और जहाँ पे ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं इस एरिया में, उस एरिया में थोड़ा आप ज़्यादा लगाओ। और जहाँ पे डैंड्रफ ज़्यादा है, मोस्टली डैंड्रफ जो होता है ऊपर का जो एरिया होता है उसी में होता है, मतलब ये पार्ट जो होता है मोस्टली इसी में होता है डैंड्रफ। साइड में तो नहीं होता है, पीछे तो नहीं होता है उतना, बट ऊपर के जो पोर्शन होते हैं सबसे ज़्यादा डैंड्रफ उसी में होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लगाना चाहिए और वहाँ पे मैं ज़्यादा लगाता हूँ। सो इस तरह से लगा के इसको, और फिर आपको जो फिंगर है उससे इसको, अभी हमको दोनों फिंगर यूज करना पड़ेगा, दोनों हाथ यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको पूरा डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं दोनों हाथों से इसको मिक्स करूँगा ताकि अच्छे से स्काल्प के ऊपर ये जाके बैठ जाए और तभी ये प्रॉपर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आप अगर सही से नहीं लगाओगे ना इसको, डॉक्टर ने बोला इसको सही से लगाना है, मतलब आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे आपको फिंगर का यूज करना है ताकि अच्छे से स्काल्प के ऊपर ये हो जाए, मतलब लग जाए। मेरा जो डैंड्रफ है सबसे ज़्यादा ये इस एरिया में, इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी फिंगर का यूज करने वाला हूँ।
मैंने लगा लिया, मुझे लगता है अच्छे से मिक्स हो गया है अभी, तो अभी छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है और 3-4 मिनट हो गया। मैंने लगा लिया है और इसको 20 मिनट तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं इसको नहा लूँगा और अच्छे से शैम्पू करके धो लूँगा। दोस्तों ये था डैंड्रफ पाउडर जो कि डॉक्टर ने दिया है और मैंने लगा लिया है और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आगे अभी क्या क्या हो रहा है मैं सब बताऊँगा आपको। और इसको और इसका जो शैम्पू है और कंडीशनर है डॉक्टर ने उसको कैसे बोला है लगाने के लिए, मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैंने लगा लिया है इसको और 20 मिनट छोड़ने के बाद 20 से 25 मिनट फिर मैं इसको धो लूँगा, नहा लूँगा शैम्पू से। ये था आज का डैंड्रफ पाउडर जो कि मैंने दही में डाल के लगा लिया। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।